मेहता का उल्टा चश्मा। ओमे गोगी की बात सच हो रही है, सोसाइटी में सच में कोई भूत घूम रहा है। मुझे लगता है ये सारा खेल उस साया ने रचाया है। पहले हमारे घर की खिड़की पे आवाज होना, फिर वो साया का दिखना। आधी रात को आपके घर के आगे लड्डू का आना, लड्डू का गायब हो जाना, अब तो 100% कुछ गड़बड़ है। सही बात है। मैं कब से कह रही हूँ, कोई है, कोई है, कोई है, वो भूत है। हाथी भाई, सोडी और भिड़ो को फोन लगाओ, सोडी और भिड़ो को फोन लगाओ, उन्हें कोई सोसाइटी में नजर आ रहा है क्या, पूछो। क्या हुआ हाथी भाई, क्या हुआ? फोन डेड है, फोन डेड है, डेड। तारक, हाथी भाई के घर का फोन बंद है, हमारे घर का भी फोन बंद है। ये भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हाथी भाई, मोबाइल से फोन लगाओ, मोबाइल से। जा, पापा का मोबाइल लेकर आ। मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे पास मोबाइल है। लगाओ लगाओ। मोबाइल का भी नेटवर्क डेड है, मोबाइल का भी नेटवर्क डेड है। कैसे पॉसिबल है? एक ही वक्त में हमारे घर का लैंडलाइन डेड है, आपके घर का लैंडलाइन डेड है, सेम टाइम में मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं है, आपके फोन में भी नेटवर्क नहीं है, हो क्या रहा है? चल अब इस गोकुलधाम सोसाइटी के एक मेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े की क्लास लेता हूं। पानी की आवाज आ रही है ना? हाँ। इन्हें बाथरूम में नल खुला तो नहीं छोड़ दिया? नहीं हो। मैं देखता हूँ, देखना पड़ेगा। हाँ। तुमने चालू रखा था? काय हो? नल चालू था माधवी, अच्छा हुआ बंद कर दिया, वरना सुबह तक सोसाइटी की टंकी खाली हो जाती। हाँ, बरसर। आहो, अभी आपने नल बंद किया था ना? हाँ। तो वापस कैसे चालू हो गया? आई मुझे डर लग रहा है। घबरा मत पापा, बाबा बकता है ना? क्या हो? किया बंद? आहो, आप नल को घट्ट बंद करके आइए ना। अरे घट्टस बंद केला होता माधवी। तो ये क्या बार बार चालू हो रहा है? अभी खट्टा बंद करके आया हूँ। बाबा, बाबा मुझे लगता है वो टेरेस वाले भूत ने नल चालू किया है। नहीं 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 सोनू, अरे कुछ भी क्या बोल रही हो? नहीं नहीं, कोई भूत भूत नहीं है, वो क्या है, नल का वाइसर खराब हो गया होगा ना, इसलिए चालू हो रहा है। मैं बंद करके आता हूँ। अब देखते हैं शेर पुत्र रोशन सिंह सोडी शेर बनता है या ठीक ही बिल्ली बन जाता है, देखना। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? रोशन, कौन कौन फोन कर रहा है इतनी रात को? जानू, फोन उठाऊंगा तो पता चलेगा ना इतनी रात को कौन फोन कर रहा है। उठाओ ना। हेलो 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 हेलो, कौन है इस समय तंग कर रहा? सो जाओ। जानू, जानू फोन बज रहा है। रोशन, तुम्हारा ही मोबाइल बज रहा है। अरे सॉरी, कौन है? अननोन नंबर। हेलो,
हेलो, ओ भाई साहब हो या बहन जी, बोलो तो सही, कौन बोल रहे हो? ये भी फोन काट गया। सुनिए, तेरा फोन बज रहा है। इधर भी किसी अननोन नंबर से फोन है। अननोन नंबर? ये देखा। हेलो 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 हेलो, ये फोन भी कट हो गया। सुनिए, इस समय फोन करके कौन परेशान कर रहा है? खुदा ही जाने। तेरे में भी फोन है, मेरे में भी फोन है। हेलो 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 हेलो, अरे हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, अरे बोलो तो सही, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, सॉरी पुत्र, सॉरी, तनी कौन परेशान कर रहा है यार? पापा, जरूर ये कल वाला भूत ही फोन कर रहा है। उसने कहा था ना मैं वापस आऊंगा। अरे नहीं दिख रहा। ओ पुत्र, ओ हम शेर पुत्र हैं, ओ हम किसी भूत भूत से नहीं डरते। ओए भूत हमसे डरता है। कंट्रोल यार। अरे मैसेज, मैं भूत हूँ? पापा, ओ पुत्र, मैसेज में लिखा है यार, कंट्रोल। मैं वापस आऊंगा। रोशन, इधर भी सेम मैसेज है। अरे सेम टू सेम, और दोनों अननोन नंबर से। मम्मी, भूत आ चुका है। पापा, भूत आ चुका है। नहीं दिख रहा। भूत आ चुका है। चल भेड़ू। अब हमारे साइंटिस्ट कृष्णा नायर के साथ एक एक्सपेरिमेंट तो बनता है। कैसा आवाज है? पीछे से बर्तन गिरने की आवाज आ रही है। पर मैंने बर्तन तो ऐसे रखे ही नहीं थे कि वो गिरे। चलो चलकर देखते हैं। अमिता, किचन में तो कोई बर्तन नहीं गिरा है। हाँ, पर आवाज तो बर्तन गिरने की आई थी। पता नहीं क्या हो रहा है, चलो सो जाते हैं। ओह माय गॉड, हमारे कपड़े की ऐसी हालत किसने की? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बबीता। पहले किचन में बर्तन गिरने का आवाज, और अभी ये बेडरूम में ये सब। ओह माय गॉड, अय्यर, कहीं हमारी सोसाइटी में सच में भूत तो नहीं आया है ना? बबीता, पत्रकार पोपटलाल जी सबकी दुनिया हिलाने की बात करते हैं, आज हम उनकी दुनिया हिला देते हैं। मैं तो लाइट बंद करके सोया था, ये अचानक चालू कैसे हो गई? क्या हो रहा है, लाइट वापस कैसे ऑन हो गई? क्या हो रहा है?
चाहता अपने आप क्यों बंद हो रहा है, खुल रहा है, क्या हो गया तुझे? थोड़ी भी उल्टी घूम रही है। तो पापड़ लाल का आवाज है, बचा अय्यर भाई। अय्यर लगते हैं जरूर कुछ गड़बड़ है, चलो जाके देखते हैं। चलो चलो, बचा अय्यर भाई, बचा साहब, बचा साहब, दरवाजा खोलिए, बचा साहब। पापड़ लाल, पापड़ लाल भाई, हाथी भाई, अरे बाहर आओ सब लोग, जल्दी सॉरी। ये तो बबू की आवाज है, इतना चिल्ला क्यों रहा है? रोशन कुछ तो गड़बड़ है। होटल की आवाज है, क्या हुआ होगा? अभी कहा भाई, चल जाओ यहाँ खाली। हाथी भाई, अरे बच्चा, पोपट भाई, क्या हुआ, क्या क्यों चिल्ला रहे हो पोपट लाल? अरे बताता हूँ भाई, पहले नीचे आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाथी भाई कैसे नीचे आएंगे, वो तो नीचे ही है। चलो 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 चलो। अय्यर भाई, बबीता जी, बच्चा, अरे क्या हुआ, अरे मेरे घर में भूत है। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ मेहता साहब, मेरे घर में अनहोनी घटना घट रही है। लाइटें अपने आप चालू बंद हो रही है, वो घड़ी का काटा अपने आप उल्टा घूम रहा है। मेरा ये छाता बेचारा अपने आप खुल रहा है और अपने आप बंद हो रहा है। क्या हो गया तुझे? जेठालाल, अपनी सोसाइटी में जरूर किसी साय का प्रभाव है। लेकिन आप और अंजलि बाबी हाथी भाई के घर से कैसे निकले? वो भी साय की वजह से। मुझे हमारे घर की खिड़कियों में भी एक साया बार बार मंडरा रहा था, और इसीलिए अंजलि बहुत घबरा गई, तो हम हाथी भाई के घर चले गए। मैं अकेली नहीं, तारक भी घबरा गए थे। पापा हाँ, मैं भी घबरा गया था, लेकिन कहानी हाथी भाई के घर भी खत्म नहीं हुई। मेरे घर भी किसी ने बहुत जोर से दरवाजा खटखटाया, जब मैं बाहर गया तो बाहर तो कोई नहीं था, लेकिन एक थाली पड़ी हुई थी जिसमें लड्डू थे। हाँ? ताजे देसी घी की खुशबू आ रही थी। मैं लड्डू लेके अंदर आया, और फिर जैसे ही मैंने गोली ने भी खाने की कोशिश की, हम दोनों ने लड्डू और थाली सब गायब हो गया। अरे मेरा घर के किचन में भी बर्तन गिरने का आवाज आ रहा था, पर हमने किचन में जाकर देखा तो ऐसा कुछ था ही नहीं। और हम लोग जब बेडरूम में वापस आए तो बेडरूम का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। बंद चालू हो रहा था। हमारे घर में भी पानी का नल अपने आप चालू हो गया। मैंने बंद किया तो फिर चालू हो गया, मैंने फिर बंद किया तो फिर चालू हो गया, मैंने घट्ट बंद कर दिया फिर भी चालू हो गया। यारो कमाल है, वो हमारे घर की लैंडलाइन पे रोशन के मोबाइल पे मेरे मोबाइल पे भी ब्लैंक कॉल्स आई जा रही थी, और बाद में रोशन के मोबाइल पे और मेरे मोबाइल पे एक साथ मैसेज आया, मैं भूत हूँ, मैं वापस आऊंगा। अरे मैंने भी बालकनी में आके देखा तो अचानक हमारी सोसाइटी कंपाउंड में एक लाल गाड़ी आके खड़ी रही,
फिर उसका दरवाजा खुला, अचानक बंद हुआ और किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक। कोई उतरा नहीं था। कोई नहीं उतरा। और फिर अचानक साया दिखा, लेकिन कोई था नहीं उधर, फिर भी साया दिखा। जटिया। बाबूजी। साया। हाँ साया की बात हो गई। ओके मैंने बोला। जटिया। हाँ। साया। दरवाजा खुल नहीं रहा। खोल खोल जोड़ लगा। अरे पता नहीं ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है। अब क्या होगा? कल किसी ने हमारी बात पे यकीन नहीं किया, अब देखो भूत सच में आ गया। अब ये भूत से हमें कौन बचाएगा? मेरी माँ। मेरी माँ को फोन करके पूछूंगी तो वो हमें ये भूत बनने से बचने का रास्ता दिखाएगी। सही बात है, दुनिया में माँ से बेहतर रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। होता भी तो बैलेंस नहीं होता ना। अरे यार पहले बैलेंस छोड़ो इस समय। हेलो दया पापा जी, मेरे को फोन है। जल्दी 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 जल्दी। अरे घंटी बज रही है। बोल रही हूँ। बेटा तू इतनी रात को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वीरा तू जल्दी से माँ को फोन देना, अर्जेंट काम है। लेकिन बेना माँ तो तीन दिन के लिए अंबाजी माँ के दर्शन के लिए गई है। ए मोमबत्ती जी। क्या हुआ? क्या हुआ? माँ तीन दिन के लिए अंबाजी दर्शन करने के लिए गई है, अब क्या होगा? क्या मतलब तीन दिन हम लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे क्लब हाउस के बाहर? लेकिन बेना इतनी रात को कौन सी तकलीफ आ गई है? मुझे तो बता कि प्रॉब्लम क्या हुआ है। मेरा क्या बताऊं? कल रात से हमारी सोसाइटी में अजीब अजीब हरकतें हो रही है। और वीरा अभी हम लोग क्लब हाउस में जाने के लिए गए ना तो दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, हम बाहर ही अटके पड़े हैं। बोल बेना तू फिकर मत कर, मैं भूतों को पकड़ने वाले एक जबरदस्त सॉलिड डॉक्टर को जानता हूँ। तुम्हारी गोकुलधाम सोसाइटी में जो भूत मंडरा रहा है उसे वो चुटकी में पकड़ लेंगे। थैंक यू वीरा। वीरा भूतों को पकड़ने वाले डॉक्टर को जानता है। डॉक्टर? लेकिन वीरा वो अहमदाबाद से मुंबई कब पहुँचेंगे? वो भूतों के डॉक्टर मुंबई में ही है। मैं अभी उनको फोन करता हूँ और तुरंत गोकुलधाम सोसाइटी में भेजता हूँ। तुम लोग उनके आने के बाद ही क्लब हाउस से नीचे उतरना, ओके? ठीक है वीरा। वीरा तुम्हें हम लोगों की कितनी चिंता है। थैंक यू। जुग जुग जियो, फूटो फलो, दूधो ना वीरा। थैंक यू बेना, थैंक यू। बाय बाय। क्या 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 बोला? क्या बोला? वीरा ने कहा है कि चिंता मत करना, वो अभी भूतों के डॉक्टर को भेजेगा, लेकिन तब तक हम लोग जहाँ पर है वही खड़े रहने को बोला है। अरे लेकिन अहमदाबाद से वो डॉक्टर कब ही पहुंचेगा यहाँ? अरे टप्पू के पापा वो भूतों के डॉक्टर यही मुंबई में ही है।
ऐसे भी कोई डॉक्टर होता है? डॉक्टर पता नहीं मुझे। पॉइंट पॉइंट सॉरी भूतों के भूत भूतनाथ ने गोकुलधाम सोसाइटी में हंगामा मचा दिया है। यहाँ हालात ऐसी है कि हर आदमी सूखे पत्ते की तरह थर थर कांप रहा है। लेकिन इस थरथराहट के बीच में भूतों को भगाने वाले डॉक्टर का पता चल गया। लेकिन शायद ये किसी को नहीं पता कि ये साधारण या मामूली भूत नहीं है, ये एक ऐसा भूत है जो सब भूतों से हटकर बड़ा भूतनाथ है। अब ये भूतनाथ यहाँ क्या करने वाला है? अब ये रोमांच की रात आगे क्या क्या रंग दिखाएगी? ये एक ऐसा भूत है जिसके आगे वर्तमान और भविष्य दोनों ही खतरे में नजर आते हैं। अब इस भूत को भगाने के लिए मुझे पता नहीं कि किन किन लोगों को बुलाना पड़ेगा। ये भूत अब क्या करेगा, किस किस को डराएगा? अभी भविष्य के गर्भ में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारा रोमांच और भूतनाथ के बहुत सारे कारनामे बाकी है। क्या करेगा वो, जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.